नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल नॉलेज। तो दोस्तों, डिजिटल नॉलेज में आज जो कंटेंट हम लेके आए थे वो है एक छोटा सा पोर्टल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कौन सा पोर्टल है? अगर आपके पास एक छोटा सा शॉप है, छोटा सा दुकान घर है, अगर छोटा सा सब काउंटर है, या फिर आप घर में काम करते हो, एक कंप्यूटर या अगर लैपटॉप एक प्रिंटर लेके, आजकल गांव में छोटा छोटा शहर में ये सब हरदम चलता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले सुना था कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर, तो दोस्तों CSC की तरह एक नया पोर्टल अभी चल रहा है हमारे देश में, जिसका नाम है डिजिटल ग्रामीण सेवा। तो दोस्तों CSC में काम तो चल रहा है, जिन लोगों के पास CSC का लॉगिन ID और पासवर्ड है लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है CSC का ID, CSC का ऑथोराइजेशन जिसके पास नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? डिजिटल ग्रामीण सेवा पे वो लॉगिन ID और यूज़र ID क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे सर्विसेज आपको उपलब्ध होगा, जिसमें से आपका जो दुकान है, अगर आप तो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जैसे कि आजकल मोबाइल के दुकान में क्या क्या काम होता है, फोटोशॉप का काम होता है, जेरोक्स का प्रिंटर जिस दुकान में है उसी दुकान में कंप्यूटर भी है, लोडिंग वगैरह वगैरह, मोबाइल का काम ये सब होता है, छोटा छोटा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जिस दुकान में होता है। अगर ये सुविधा अगर उन लोगों ने ले लिया तो बहुत लाभदायक होगा। तो दोस्तों चलो जाके देखते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा में हम लोग यूज़र ID और पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। चलो, वेलकम फ्रेंड्स, ये मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले बोर्ड जिसे डेस्कटॉप कहा जाता है। तो दोस्तों लैपटॉप में स्क्रीन में सबको वेलकम है, और स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे हम डिजिटल ग्रामीण सेवा पे लॉगिन ID और पासवर्ड। तो चलो दोस्तों पहले ब्राउज पे चलते, ब्राउज़र ओपन कर लो पहले, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद उधर टाइप करो डिजिटल ग्रामीण सेवा। तो दोस्तों पहले ही आ गए, देखो डी लिखने से पहले लिखा और आ गया डिजिटल ग्रामीण सेवा। वो पहले वाला ऑप्शन चूज करो और पहले के वाला ऑप्शन क्लिक करो। तो देखो बंदो, ये पेज खुल गया, और एकदम ऊपर जो ऑप्शन है, नीचे की तरफ देखना नहीं चाहिए, लेकिन नीचे बहुत ओवर से, लेकिन एकदम ऊपर का ऑप्शन चूज़ करो डिजिटल ग्रामीण सेवा। तो उसको क्लिक करने से दोस्तों कुछ इस तरह के इंटरफेसेस खुल जाता है। ये डिजिटल ग्रामीण सेवा पर क्लिक करने से ये उसका जो होम पेज होता है, वो होम पेज कुछ इस तरह के दिखते हैं। गला ख़राब हो गया दोस्तों, कुछ इस तरह के इंटरफेसेस आता है। ये जो होम पेज है डिजिटल ग्रामीण सेवा का, ये होम पेज बहुत ही बेहतरीन डिजाइन, लेकिन देखो दोस्तों जो होम और ये सब सर्विसेस है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम लोग पहले सर्विस पे एक बार ध्यान देते हैं कि क्या क्या सर्विस इधर उपलब्ध है। तो दोस्तों सर्विस पे पहले देखते हैं कि सर्विस कैसा है। तो दोस्तों पहले देखो यहाँ रिचार्ज ऑप्शन है। आजकल DTH मोबाइल, JioTO, कुछ भी फ़ोन आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। कुछ भी फ़ोन, अलग अलग फ़ोन का ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे वाला ऑप्शन जो बैंक के काम करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा होता है, और इधर मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ये भी सुविधा उपलब्ध है इधर। और VVPS का तो बारे में तो आप लोगों का शायद पता होगा, ये भी आप आजकल बहुत चल रहा है VVPS। और उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड का भी बिल पेमेंट आप कर सकते हो इधर, इंश्योरेंस का भी बिल भर सकते हो, LIC पेमेंट भी हो सकता है। नीचे देखो LIC पेमेंट,
LIC बिल पेमेंट, इंश्योरेंस एनरोलमेंट भी कर सकते हो इंश्योरेंस का दोस्तों। उसके बाद जो बैंकिंग सर्विस है, देखो तो बैंकिंग सर्विस में भी आप हिटाची ATM का एप्लीकेशन कर सकते हो, माइक्रो ATM भी आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। एंड्रॉयड ATM मशीन भी आप चला सकते हो, इस कियोस्क बैंक के लेके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कियोस्क बैंक जो आप गांव में जो बैंक है छोटा छोटा, उसके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। उधर देखो ट्रैवलिंग सर्विस में क्या है, होटल बुकिंग भी ऐप से इधर है, ठीक है। बस बुकिंग भी, और सबसे बेहतरीन जो IRCTC है, IRCTC आप आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप से। तो दोस्तों पैन कार्ड भी इधर बना सकते हो, पैन कार्ड बनाने के लिए ऐप्स भी इधर है। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऊपर बार में जाकर रजिस्ट्रेशन पर ऊपर क्लिक करो। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर ऊपर क्लिक करने से इस तरह का एक फॉर्म आ जाता है, तो इस फॉर्म को पहले आप भर लो, ठीक है। फॉर्म के भरने से पहले देखो हम शॉप का नाम, आपका दुकान का जो नाम है उधर वो टाइप कर दो, ठीक है। दुकान का नाम उधर टाइप कर दो, उसके बाद जो ओनर का नाम है, सेकेंड ऑप्शन में ओनर का नाम है, आपका नाम दे दो उसमें, ठीक है। ओनर का नाम, उसके बाद ओनर का मोबाइल नंबर। दोस्तों ये बहुत ध्यान से फिलअप करना है, अगर गलती से भूल भाल कर दो तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मोबाइल नंबर इधर डाल दो और ईमेल आईडी इधर बहुत ही ज़रूरी है। ईमेल आईडी आपका पास नहीं है तो आप बना लेना, ठीक है। आपको स्टेट डालो, सिटी डालो, और आधार नंबर भी डालना होगा, आधार नंबर भी डालो। और उसके बाद आधार नंबर ठीक ठाक डालने के बाद पैन नंबर भी डालना होगा। तो दोस्तों पैन नंबर डालने के बाद आपका दुकान का जो एड्रेस, जिस जगह पे आपका दुकान है वो एड्रेस लिख देना इधर, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना, ठीक है दोस्तों। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह के जो आ जाएगा ये दोस्तों, इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस 1180 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक पेड पोर्टल है जिसका सर्विस लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस नॉट रिफंडेबल, ठीक है, देना पड़ेगा दोस्तों 1180 रुपये। आप थोड़ा से इसके बारे में जान लो, उसके बाद ये पेमेंट भरो, ठीक है। अगर आपको सही लगा तो भरो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर सही समझो तो इसको, इस सर्विस को उपलब्ध कर सकते हो। तो दोस्तों पेमेंट मोड इधर है, सिलेक्ट पेमेंट मोड आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इधर UPI इससे भी आप कर सकते हो पेमेंट। उधर डालने के बाद इधर आप प्रोसेस कर दो, ठीक है। तो दोस्तों प्रोसेस करने के बाद कुछ ही घंटों में आपको मेल में यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको KYC आपको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपके फ़ोन के में SMS में आ जाएगा सुपरवाइज़र का नाम, और उस सुपरवाइज़र को फ़ोन करके आपको KYC कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाए तो आप किस तरह से लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड कैसा है ये आप दिखा रहे हो, हम आपको दिखा रहे हैं इधर। अगर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया तो इधर लॉगिन बटन ऊपर, जो लॉगिन बटन है उसको ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पहले से ही लॉगिन कर रखा है इधर, ठीक है दोस्तों। इधर यूज़र आईडी और पासवर्ड देखे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके सबमिट कर दो, लॉगिन कर दो। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपका डैशबोर्ड किस तरह से दिखता है वो भी हम दिखाते हैं आपको कि आपका डैशबोर्ड किस तरह से दिखता है। देखो दोस्तों ये आपका, ये हमारा डैशबोर्ड, लेकिन आपका भी डैशबोर्ड इस तरह के होगा, ठीक है। और इस डैशबोर्ड पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ जिसके ऊपर आप काम करके पैसा कमाओगे वो सब फैसिलिटीज़ जिसके ऊपर आप काम करोगे सब दिखा रहे थे। देखो डैशबोर्ड ये सेटिंग्स है, और इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि रिचार्ज कैसे किया जाता है इसमें, ठीक है। तो रिचार्ज ऑप्शन पर आप क्लिक करो, तो ये देखो रिचार्ज खुल गया दोस्तों। इधर ऑफर एड्रेस सिलेक्ट करो, इधर DTH का भी रिचार्ज कर सकते हो, पोस्टपेड का भी रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इधर ऑफर एड्रेस सिलेक्ट करो, कहीं भी ऑफर एड्रेस जिससे कहीं भी फ़ोन पर, कहीं भी DTH पर, कहीं भी DCTV पर आप रिचार्ज कर सकते हो। देखो इधर सब कुछ है, BSNL है, ठीक है, टाटा डोकोमो है, आइडिया है, सब कुछ एक ही पोर्टल से आप रिचार्ज कर सकते हो, सब सर्विस प्रोवाइडर।
तो इधर सर्विस प्रोवाइडर को आप चूज कर लो, उसके बाद अमाउंट डाल लो, सॉरी फ़ोन नंबर डाल लो, उसके बाद अमाउंट डाल लो और सबमिट कर लो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये सर्विस चलाना है तो पहले से आपको बैलेंस लोड करना पड़ेगा। देखो इधर मेरे पास थोड़ा सा बैलेंस बाकी हुआ है, 917 रुपया है मेरे पास बैलेंस है, ठीक है। तो दोस्तों इधर आधार का भी काम आप कर सकते हो, आधार का भी काम, आधार सेटिंग के लिए भी इधर फैसिलिटी उपलब्ध है, ठीक है। बहुत सारे इधर आप वोटर आईडी के काम कर सकते हो, इधर आप पासपोर्ट भी करा सकते हो, आपके दुकान का सब कुछ काम एक ही पोर्टल से आप ज़रूर कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ये ऐप्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना और